टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को गेंदबाजों के दम पर हराया। बल्लेबाजों ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी टीम इंडिया को इस मुकाबले में हराने की, लेकिन गेंदबाज खासकर बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, भारतीय टीम को हारे हुए मैच में एक तरीके से जीत दिला दी है। पाकिस्तान के जबड़े से जीत कैसे छीनी जाती है, बुमराह ने और हमारे गेंदबाजों ने दिखा दिया है। लेकिन सवाल फिर बल्लेबाजी पर उठा है। एक ऐसा नाम है जिनकी बल्लेबाजी पर सवाल अभी नहीं, पिछले 3-4 हफ्तों से उठ रहा है। उनका नाम है शिवम दुबे। आईपीएल के फर्स्ट फेज में शानदार खेले, स्पिनर्स के लिए काल बनकर बैठे हुए थे, लेकिन उनका जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन होता है, उसके बाद से शिवम दुबे के बल्ले में जंग लग जाती है। गेंदबाजी का हाल तो पूछिए मत, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कप्तान रोहित शर्मा को है नहीं कि उनको गेंदबाजी दी जा सके। बल्लेबाजी शिवम दुबे कर नहीं पा रहे हैं। कल पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलने उतरे, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, प्रेशर साफ उनके ऊपर दिख रहा था, गेंद बल्ले पर ठीक से आ नहीं रही थी और यही नतीजा हुआ कि शिवम दुबे चलते बने, जल्दी सस्ते में आउट हो गए और अपना विकेट उन्होंने गिफ्ट में पाकिस्तान को दे दिया है। उसके बाद सिर्फ ये गलती नहीं थी, उसके बाद जब फील्डिंग कर रहे थे फाइन लेग पर, तीसरा ही ओवर था, मोहम्मद रिजवान का आसान सा कैच फाइन लेग पे शिवम दुबे ने छोड़ दिया, दबाव फिर से एक बार उनके ऊपर साफ दिखाया। शिवम दुबे को आईपीएल के स्टार्टिंग फेज में कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है, वो हार्दिक पांड्या जो कि बल्लेबाजी में भी डिलीवर कर रहे हैं और गेंदबाजी में भी देखा पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी किए, इंपॉर्टेंट विकेट्स हार्दिक पांड्या ने अपने नाम किए हैं। लेकिन शिवम दुबे को तो गेंदबाजी रोहित शर्मा नहीं दे रहे हैं, बल्लेबाजी में उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, गेंदबाजी में कप्तान को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शिवम दुबे को जो फिनिशर का रोल दिया गया है, रिंकू सिंह जैसे प्रूवन फिनिशर को बाहर रख के, तो शिवम दुबे को देखना होगा कि आने वाले मैचों में किस तरीके से मौके मिलते हैं। और एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें मौके मिल रहे हैं तो भाई गेंदबाजी भी उन्हें करानी पड़ेगी कप्तान को। लेकिन जिस पेस से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं, क्या शिवम दुबे गेंदबाजी करने के भी फिलहाल कैपेबल हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी जो पिछली 8 पारियां, उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप खुद कहेंगे भाई ये कैसा सिलेक्शन है। शिवम दुबे की जो पिछली 8 पारियां हैं, उसमें उनके स्कोर हैं 0-0, 21-8, 7-14, 0-3। यानी इस दौरान उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ 21 रन का है। उन्होंने 8 मैचों में 63 रन ही बनाए हैं और पिछले 8 मैचों से लगातार शिवम दुबे फ्लॉप हो रहे हैं। टीम इंडिया को उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया की अच्छी स्थिति नहीं थी उस वक्त शिवम दुबे आए, उनसे उम्मीद की गई कि टिक कर खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवम दुबे का कैच नसीम शाह ने अपनी गेंद पर लपक लिया और शिवम दुबे अंडर कॉन्फिडेंट बैटिंग करते हुए आउट हो गए। वहीं जब उनकी तुलना हार्दिक पांड्या से की जाती है, हार्दिक पांड्या ने शानदार खेल दिखाया है। 4 ओवर में स्पेल में 24 रन देकर फखर जमान और शादाब खान के विकेट उन्होंने लिए हैं और टीम इंडिया के मैच में वापसी कराई है। हार्दिक इसके पहले वाले मुकाबले में बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और गेंदबाजी भी, लेकिन शिवम दुबे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। फिर चाहे बैटिंग की बात की जाए या फिर फील्डिंग की बात, गेंदबाजी तो आई नहीं, तीनों डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो शिवम दुबे यहाँ पर फ्लॉप हो रहे हैं। टीम इंडिया के लिए सिरदर्द शिवम दुबे बन रहे हैं। जल्द से जल्द अगर फॉर्म आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो रोहित शर्मा को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। शिवम दुबे को आईपीएल के आधार पर टीम में चुना गया है, लेकिन आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा अंतर होता है, शिवम दुबे के खेल से ये साफ दिख रहा है।